अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कुरान हदीस और इस्लामिक लॉज में तालीम याफ्ता हूँ। हम इस्लामी मईशत की बात करते हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा सोशल सिक्योरिटी, इसको उर्दू में हम अगर तर्जमा करें, जो मैंने कोशिश की करने की, वो कफायत आमा है। ये निज़ाम मगरबी मुल्कों में राइज है, या जिस मुल्क में मैं रहता हूँ यानी अमेरिका में, ये सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम राइज है। हम देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में कहाँ कहाँ सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम राइज है और कब से है, फिर हम इस्लाम की बात करेंगे। जर्मनी में 1880 में, जर्मनी ईस्वी में, जर्मनी के चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क ने सोशल इंश्योरेंस का निज़ाम राइज किया। 1883 ईस्वी में मरीजों की कफालत का कानून बना। 1897 में मजदूरों की कफालत का कानून बना। ये सोशल सिक्योरिटी, इसको कह लें लिटिल बिट डिफरेंस इन कॉन्सेप्ट, लेकिन असल चीज़ वही थी। नंबर दो, बरतानिया। ये जर्मनी में बात की, बरतानिया का देखते हैं। 1601 में पुअर लॉ बना। इस कानून के तहत मजदूरों को काम के दौरान हादसात का मुआवजा और उनकी कफालत का निज़ाम राइज किया गया। 1911 में हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम शुरू किया गया। 1925 में उम्र रसीदा अफराद की कफालत का निज़ाम राइज हुआ। फ्रांस 1928 में बीमारों, जच्चा बच्चा, बूढ़े और मजदूरों के लिए ये इंश्योरेंस का क्याम अमल में आया। जापान 1922 में इंश्योरेंस और कफालत का निज़ाम अमल में आया। रूस 1911 में मरीजों की कफालत का कानून बना। न्यूजीलैंड 1938 में बेरोजगारों की कफालत और इंश्योरेंस का निज़ाम, मरीजों, मजदूरों और गरीबों की कफालत का निज़ाम अमल में आया। अमेरिका में 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बना। 1963 में हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी के कवानीन बने, कफायत आमा जिसको हम कहते हैं। 1972 में 25 साल या ज़्यादा उम्र के रिटायर्ड मुलाजमनों की कफालत का इंतज़ाम, सोशल सिक्योरिटी कह लें। उम्र सिद्धा मुलाजमों की कफालत पर खर्च की गई रकम जो थी वो $33.5 मिलियन थी। मजदूरों की कफालत पर जो रकम खर्च की गई वो $161.90 मिलियन थी। नहीं सॉरी, मजदूरों की कफालत पर जो रकम खर्च की वो $4.70 मिलियन थी। नंबर तीन, कुल रकम कफालत आमा पर खर्च जो की गई वो $161.90 मिलियन थी। कनाडा में 1951 में सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम नाफज किया गया, यानी कफायत आमा का निज़ाम, और उम्र रसीदा अफराद की पेंशन का कानून बना। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जिनको हम स्कैंडिनेवियंस कंट्री भी कहते हैं, उनमें 1948 में मरीजों की निगहदाश्त और कफालत का कानून बना और उम्र सिद्धा अफराद की कफालत का कानून बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के जरिए कफायत आमा या सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम कायम किया। यह निज़ाम 1450 साल कबल कायम किया गया, जबकि हम देखते हैं कि यूरोप और फिर अमेरिका में यह निज़ाम सिर्फ 2 सदियां पहले राइज हुआ, जो कि इस्लाम पहले ही बरपा कर चुका था। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, जिसको बीमा कहते हैं। अब ये जो बीमा होता है इंश्योरेंस के निज़ाम में,
एक अदारा है जो इंश्योरेंस करने वाला कहलाता है, जो इंश्योरेंस करने वाला कहलाता है, अदारा है, बंदा नहीं है वो, एक बंदा नहीं, जिसे इंश्योरर कहते हैं। वो दूसरे फर्द या अदारे से ये तय करता है कि तुम मुझे इतना मुआवजा अदा कर दो तो मैं तुम्हारे साथ मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाकया की सूरत में तुम्हें इतनी रकम दूंगा। दूसरा शख्स जिसे इंग्लिश में इंश्योर्ड कहते हैं, ये उसको इंश्योरर जो होता है ये पल्ले से नहीं देता, ये वो किस्तें होती हैं और जो मुआवजा वो माहाना अदा करता रहता है, इंश्योर्ड पर्सन जिसको प्रीमियर कहा जाता है। इंश्योरेंस के इस मामले में किसी वाकया के होने या ना होने को बुनियाद बनाया जा सकता है। अब इस इंश्योरेंस में खराबियां बात करते हैं। खराबियां क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? नंबर वन, जुए का आंसर। नंबर टू, सूद। नंबर थ्री, गैर यकीनी की हद जो शरीयत ने ममनून कर दी, ममनून रखी है। नंबर चार, इस्लाम के कानूनी मामलात की खिलाफवर्जी। नंबर पांच, सरमायाकारी में हलाल और हराम को मलहूज न रखना। अब हम बात करते हैं एक एक की। नंबर वन, जुआ, कमार, जिसको अरबी में मैसर कहा जाता है और उर्दू में सिट्टेबाजी, पांसा खेलना, बाजी लगाना। इसमें दो अफराद या ज्यादा या दो से ज्यादा प्रोबेबिलिटी यानी अमकान को अपने दरमियान होने वाले मामले में बुनियाद बनाते हैं जिसको शरीयत ने मना किया, यानी दो अफराद या दो से ज्यादा अफराद के ये होगा या नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी, अमकान, उर्दू में कहते हैं अमकान को अपने दरमियान होने वाले मामले में बुनियाद बनाते हैं जो कि शरीयत के खिलाफ है। ये मालो दौलत के हसूल के बातल तरीकों में दाखिल है इंश्योरेंस। तो जुए में तीन शरायत हैं। नंबर वन, दो से या दो से ज्यादा अशखास का मुलव्वस होना। नंबर टू, इमकान होना, यानी कन्फर्म कुछ नहीं है, सिर्फ शुबा है। तीसरा, किसी एक का दूसरे को मुआवजा देना, यानी दो लेन देन नहीं कर रहे, एक बेच रहा है या खरीद रहा है, नहीं, एक ने हर सूरत दूसरे को देना है। लिहाजा एक माली मामला होने की वजह से इसमें इमकान को बुनियाद बनाए जाने की वजह से यह मामला जुए या कमार की हद में आता है। अब एक शख्स जो महाना रकम दिए जा रहे हैं और कोई हादसा हुआ ही नहीं, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो माल हड़प करती जा रही है, और ये सूद से भी बड़ा जुल्म है। सूद में तो फिर भी पैसे का लेन देन होता है दोनों तरफ से। मैं जब नया नया अमेरिका में आया तो मुझे लोगों ने कहा कि जनाब आपने इंश्योरेंस लेनी है, ये कानून है। अब कानून जिन्होंने बनाया है वो सारे सेनेट में और ये ऊपर बैठे हुए हैं असम्बलियों में, जो यहाँ की असम्बलियाँ हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे अरबों पति हैं और ये इस तरह माल बनाते हैं, उन्होंने कानून बना दिया। मैं एक साल तक गायको कंपनी है बहुत बड़ी, मैं उसको काफ़ी पैसे दिए, ना कोई हादसा हुआ ना कोई मसला हुआ, वो मेरे हज़ारों डॉलर खा गए। तो फिर मुझे एक मेरी मुलाजमा ने बताया कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप 30-40 डॉलर दें जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड कानून में है, क्यों, अगर खुदा न खास्ता कभी कोई हादसा भी हो जाए तो खुद ठीक करा लें, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने भी ये कवानीन बनाए हुए होते हैं कि इतने तक का वो पल्ले से करेंगे, यानी गाड़ी वाला जिसका एक्सीडेंट हुआ है अगर 500 तक फॉर एग्जाम्पल होता है तो पल्ले से करेंगे, उसके बाद हम देंगे, यानी इतने पेच होल हैं कि वो हर सूरत अपने आप को बचा लेते हैं। ये मैं ऑटो इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब आपने मतलब जैसे जैसे मेरे जहन में बातें आती जाएंगी मैं बताता जाऊँगा। तो हाँ, दूसरी बात यह है कि अब आप इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं किस्त माना, अब आपका एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट का जैसा भी फैसला हो उससे कता नजर, अब आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जो तय की हुई है वो हर सूरत उसने लेनी है, ऊपर से मलाई उसने खानी है। दूसरी खराबी इसकी ये है कि ये इसमें सूद होता है जो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड शख्स के दरमियान होता है। प्रीमियर अदा करने वाला जितनी रकम अदा करे उसको मुआवजे में बहुत ज़्यादा मिल जाता है,
गोया कम पैसे देकर ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। दूसरा सूद वो है जो बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी मुख्तलिफ सूदी कारोबार में पैसा लगाकर हासिल करती है। तीसरी खराबी, गैर यकीनी की कैफियत का हद से ज्यादा होना। इसके लिए शरीयत में गर का लफज आता है, गर अरबी का लफज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील से इस गर की कैफियत से मना फरमाया। मसलन एक शख्स दूसरे को एक ऐसी घड़ी फरोख्त करता है जो एक डब्बे में बंद है। लेने वाले को तो यह पता है कि यह घड़ी है, लेकिन यह नहीं पता भी कौन सी घड़ी है, कितनी कीमत की है। इसको गरर कहते हैं। मकसद यह है कि लेने और देने वाले को चीज की तमाम मालूमात हासिल नहीं है। इंश्योरेंस में बीमा पॉलिसी खरीदने वाले को इलम नहीं होता कि मुझे कितनी कीमत अदा करनी है। यानी मुमकिन है 10-12 किस्तें अदा करे और बीमा कराया जाने वाला मामला पेश आ जाए। दूसरा मुमकिन है कि तमाम किस्तें अदा करे और बीमा कराने वाले को कोई हादसा ही ना हो। अच्छा, चौथी खामी क्या है? इस्लाम के कानूनी मामलात की खिलाफ वर्जी यानी इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन। पांचवी खराबी, हराम हलाल का फर्क ना होना, जो कि शरअन जरूरी है। ये दो तरह से नजर आता है। इंश्योरेंस कराते वक्त ये ख्याल नहीं रखा जाता कि जिस कारोबार को तहफ्फुज़ फराहम किया जा रहा है वो हलाल भी है कि नहीं। यानी बसा अवकात हराम कारोबार को तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है और 99% ही हराम ही होता है, और वहां भी जहां इंश्योरेंस कंपनियां सरमाया करती हैं, सरमायाकारी करती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां मौजूदा निजाम मईशत में मालियाती वास्ताकार यानी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो होते हैं का दर्जा रखती हैं, लिहाजा उनके पास प्रीमियर के तहत जमा होने वाला पैसा बड़े पैमाने पर रवायती बैंकों सूदी बुनियाद पर जारी किए जाने वाले मालियाती इन्वेस्टमेंट मसलन बॉन्ड्स वगैरह में लगाया जाता है। इससे हासिल होने वाला सूद इंश्योरेंस कंपनी की असल आमदनी होती है। मौजूदा हालात में मुसलमान 99% से ज्यादा इसको हराम करार दे चुके हैं। अब ये ऑटो इंश्योरेंस के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बताया। अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में ये इतनी खुर्राट होती हैं ये इंश्योरेंस कंपनियां, ये जिसकी इंश्योरेंस करनी है पहले तो ढूंढती हैं कोई यंग हो ताकि उसको कोई बीमारी ना हो, यंग हो और उसको कोई बीमारी ना हो, ये वो बंदा ढूंढती हैं जिसकी इंश्योरेंस करनी है। क्यों? उसको इनको ये होता है कि इसको कुछ भी नहीं होना तो माल खाए जाओ, हर महीने से लिए जाओ। वो बूढ़े बंदे को या बीमार बंदे को जिसको एक दो बीमारियां, आजकल हर एक को शुगर ब्लड प्रेशर होती है तकरीबन, या दिल की तकलीफ है, अब ऐसे बंदे को वो अवॉइड करती हैं। अगर ये मदद करने की बात है, इनका दावा यही है ना कि हम मदद करते हैं किसी बंदे की, अगर इनका मदद करने का इरादा हो तो फिर ये सारा कुछ करें ही ना। लेकिन चूंकि इन्होंने अपने आप को सेफ करना होता है, इसलिए इनको ये था कि इनकम आती रहे, आमदनी आती रहे, प्रीमियर आता रहे, किस्तें आती रहे, खर्च ना इनको करना पड़े। जब खर्च करना पड़ता है तो इनकी जान जाती है, इसलिए ये हर मुमकिन कोशिश करती हैं ये कंपनियां कि किसी को देना ना पड़ जाए। अब अगली टर्मिनोलॉजी, अगली चीज ये है कि अमेरिका जैसे मुल्क में वकील लॉयर होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनियों को टफ टाइम देते हैं। अब आपको, आपने देखा कि आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही है, आपका हादसा भी हो गया है, सब कुछ ठीक भी है, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे हैं, तो अगला स्टेप ये है कि आप इंश्योरेंस लॉयर के पास चले जाएं, अटर्नी के पास, यहाँ वकील को अटर्नी कहा जाता है। अब वो जोर लगाता है, वो फिर कई दफ़ा को इतना अच्छा वकील ही होता है कि इनसे सब कुछ ले भी लेता है जो ये देने से इनकार करती हैं अदालत में जाके। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का निज़ाम किसी भी तरह से ना किसी का मददगार है, नंबर वन, ना किसी से इसको कोई फायदा होता, और ये क्लियर इसमें कमारबाजी, जुआबाजी, सूद, बेयकीनी और इतनी चीज़ें हैं कि इसका लेना किसी भी तरह हलाल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, ये जुल्म है, ये सूद से भी बढ़कर जुल्म है। मैं कहता हूँ वही बात के सूद में तो दो बंदे लेन देन कर रहे हैं ना, इसमें तो कोई है ही नहीं, एक बंदे ने हर सूरत दूसरे बंदे का माल खा जाना है। अब करे क्या बंदा इस मुल्क में, मैं इस मुल्क में जैसे मैं हूं अमेरिका जैसे मुल्क में, यहां हर चीज में, हर एक के ऊपर इंश्योरेंस
खड़ी की हुई है इन्होंने, मसलन ऑटो इंश्योरेंस का मैंने बता दिया कि जब मुझे पता चला कि सिर्फ बेसिक मिनिमम इंश्योरेंस दे दो कानून के रूल से, बाकी खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो खुद कर लो, वरना तो होता ही नहीं है। दूसरी लाइफ इंश्योरेंस क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा ये स्कैम है इस मुल्क में लाइफ इंश्योरेंस। तीसरी इंश्योरेंस की बात करेंगे, बिजनेस इंश्योरेंस। अब मेरा एक रेस्टोरेंट था, मैंने भेज दिया, बिजनेस था बहुत अच्छा था, उस पर हर सूरत इंश्योरेंस लगाई हुई है कि जी इंश्योरेंस क्यों है, कि जी एक बंदा आपका फूड खा के बीमार हो गया तो अब वो आपके ऊपर सू करेगा, अदालत में जाएगा, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। फिर अगली चीज घर की इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। अब मैंने नहीं ली हुई, मुझे बड़ी कंपनियां कहती हैं, तो मैं उनको हंस के कहता हूं कि मैंने एक बहुत बड़े इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस कंपनी से मैंने करवाई हुई है। वो पूछते हैं वो कौन सी है, मैंने कहा तुम लोग नहीं जानते, वो बहुत बड़ी है, मेरा मतलब अल्लाह से होता है। और जब आप अल्लाह से डर के उसके कवानीन पे चलते हैं, शरीयत पे चलते हैं, तो वो आपकी मदद करता है। मेरे घर में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, इतने साल हो गए कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो छोटी मोटी तोड़ फोड़ होती है, बंदा खुद करवाता रहता है। तो ये इंश्योरेंस का कथा छटा है, बिल्कुल ये खिलाफ शरीयत है और जुल्म है। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।